सफर सही रहा? अभी मुबारक हो, 5 साल कितनी जल्दी हो गया। हेलो अम्मा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, चुप चुप हो गई। क्यों चुप चुप हो गई? बोलो, मस्ती करो। बहुत खुशी लगा थी आए से। हाँ, क्या खुशी लग रही है? एक बात सुन, मुझे खुशी लगी। क्या क्या? अच्छा, अम्मा नहीं थी उस टाइम यहाँ पे ना? हाँ, चली गई थी अम्मा। अम्मा क्या बन गई? पर नानी, पर दादी, पर नानी, पर नानी, नानी की नानी। मैंने जस के सुनो, जस के मैंने तुरंत 5-6 की मिठाई बांटी, सब का मैंने सबका कवाए तो मीट मुँह कराओ, तो मैंने सबका बहुत खुशी लागती मुई भैया। पापा बन जाये, पांचों भाई, पांचों टाइम दुआ मांगी है मैंने। पापा बन गई सानू, अल्लाह कम करो। मुझे कहा कि तुम बता, मोर तक 5 टाइम दुआ मांगी हूँ मैंने, नमाज पढ़ पढ़ के लड्डू सबका बांटे हैं मैंने, करिए मंगा के। जब मुझे सुनो तो मैंने अच्छा सबका देना, 5 टाइम दुआ तोर मांगे, जब आके मांगा तो रही हूँ पहले सामने के मांगा तो वो भी पूरी हो गई कह रही थी, और आप लोगों की मांगी तो माशाल्लाह वो भी पूरी हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुना आपने अम्मा ने क्या बोला, शोएब और दीपिका के लिए उन्होंने 5 सालों से दुआएं मांगी थी कि उनकी भी गोद जल्दी से भर जाए, और उन्होंने ही नहीं पूरी फैमिली, अम्मी पापा शोएब दीपिका सबा सब बस यही खुशी चाहते थे कि जल्दी से उनके घर में किलकारियां गूंजें, एक नन्हा सा मेहमान आए। और भगवान ने शादी के 4 साल बाद ये दुआ कबूल की, और आज शादी के 5 साल हो गए हैं, तो अभी जल्द ही उनके घर में नन्हा सा मेहमान आने वाला है। आप भी उनकी खुशियों में शरीक हो सकते हैं, बस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको हम हर एक अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दीपिका शोएब और उनके होने वाले बेबी के लिए ढेर सारी दुआएं कीजिए।